री तरफ जावता एक बाइक सवार ने रुकवा कर मारपीट करवारो मामलो सामने आया। रेप और मर्डर एक घटना रे विरोध में जोधपुर में भी मेडिकल स्टूडेंट सुबह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया। अमी अभ्यर्थी ने पकड़ लियो गयो है, जो अभ्यर्थी बिहार और रेवन वालो है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज जोधपुर प्रवास पर गई। खमागणी राम राम समय हूँ आप दोस्त दीपक, आप देख रहे हो झलको जोधपुर। हाजिर हूँ आप बीच में ले जोधपुरी ताजा खबर। सबसे पहली खबर है आज एम्स और मेडिकल कॉलेज रा स्टूडेंट तरफ से जोधपुर में हड़ताल की गई। दरअसल कोलकाता में मेडिकल कॉलेज री रेजिडेंट डॉक्टर्स हूँ रेप और मर्डर री घटना रे विरोध में जोधपुर में भी मेडिकल स्टूडेंट सुबह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया। अड़ा हालात में आज सु हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर अपनी सेवा नहीं दे वाला, हॉस्पिटल में सिर्फ इमरजेंसी ही चालू रहे वाला। आपने बता दूं कि डॉक्टर से हुआ रेप और मर्डर विरोध में सोमवार ने भी मेडिकल स्टूडेंट कैंडल मार्च निकाला है। इन हड़ताल रो मुख्य उद्देश्य कोलकाता में डॉक्टर से हुआ रेप फिर मर्डर मामला में निष्पक्ष जांच हो और भविष्य में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ ऐसी वारदात ना हो, इसलिए सुरक्षा की मांग की गई है। इन हड़ताल रो असर मथुरादास माथुर हॉस्पिटल, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, उम्मीद हॉस्पिटल, KNTB एंड चेस्ट हॉस्पिटल में नजर आवेला। इन मामला में कलकत्ता हाईकोर्ट आज ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस री जांच ने लेन राज्य सरकार ने भी फटकार लगाई। बड़ी जोधपुर में रविवार ने हुई नीट PG परीक्षा में डमी अभ्यर्थी ने पकड़ लियो गयो है, जो अभ्यर्थी बिहार और रेवन वालो है। आरोपी जयपुर रामूल अभ्यर्थी री जगह परीक्षा देवा आयो हो, उन बाद जयपुर रामूल अभ्यर्थी ने पकड़ लियो गयो। मामलो बनार थाना इलाका रा परीक्षा सेंटर विनायक इंस्टीट्यूट शिकारगढ़ डिगाड़ी रो है, जटे नीट PG की परीक्षा है। बनार थाना पुलिस बताए कि 11 अगस्त रविवार नीट PG परीक्षा में डमी अभ्यर्थी की सूचना मिली तो बनार पुलिस सेंटर पहुंची। निरीक्षक ललित कुमार पाटीदार निवासी शुभ आंगन रामपुरा कोठा लिखित रिपोर्ट दी। उन रिपोर्ट में बताया गया कि डिगाड़ी में एक एग्जाम सेंटर में परीक्षार्थी राजेश बेनाड़ा दूसरी पारी में परीक्षा देवा आयो है। उन वक्त NBE यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन रा प्रतिनिधि अंकित रोहिला रे पास NBE कमांड सेंटर से सूचना मिली कि परीक्षार्थी राजेश बेनाड़ा रा फोटो सु मिलान करनो है। परीक्षा समाप्ति रे बाद पूछताछ करवा पर वो डमी अभ्यर्थी निकलो जो राजेश बेनाड़ा रे स्थान पर परीक्षा देवा में बैठो हो। इन बाद मामलो दर्ज कर डमी अभ्यर्थी 19 वर्षीय मनोज कुमार पुत्र राधेश्याम निवासी बिराहा थाना रोसेरा जिला समस्तीपुर बिहार सु पूछताछ की गई, जिनमें वो कबूल क्यों कि वो राजेश स्थान पर परीक्षा देवाने आयो हो। इन्हें बाद गठित विशेष टीम आरोपी 30 वर्षीय राजेश बेनाड़ा पुत्र भगवान सहाय मीणा निवासी गंगा विहार जगतपुरा जयपुर ने डिटेन कर गिरफ्तार कर ली। फिलहाल दोनों ने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लियो गयो है। जोधपुर ग्रामीण रिपीपार शहर थाना में घर की तरफ जावते एक बाइक सवार ने रुकवा कर मारपीट करवारो मामलो सामने आयो है। इतरो ही नहीं बल्कि बदमाश उन्हीं जेब से नकद रुपया भी छीन कर ले गया। थाना दियोड़ी रिपोर्ट में भवरलाल विश्नोई निवासी कोसाना बताया कि 11 अगस्त री दोपहर 12 बजे अपना गांव से बाइक पर डीजल लेवा के लिए सालावास रा पेट्रोल जा रही हो नदी रे कने हनुमान मंदिर के पास पहुंचा, पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी में दिनेश लोल निवासी रावर सुंदर खोकर कालू नायक और अन्य आया। उन्हीं बाइक रे आगे गाड़ी लगा ली। आरोपी ने शो करवा के लिए रुपया मांगा, तब देवा सुमना करवा पर वे गाली गलौज करता हुआ स्कॉर्पियो से लोहा का सरिया और बेसबॉल का डंडा लेकर वेने साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। उन्हीं जेब में रखियोड़ा 3200 रुपया छीन लिया। मारपीट के दौरान विनो मोबाइल भी गिर गयो। बाद में आसपास रा लोग आया और बीच बचाव में छुड़वाया। इन बाद अगला बदमाश बिना नंबर की स्कॉर्पियो में सवार होकर भाग गया। घटना में पीड़ित रे आंख सिर पीठ पर चोट आई है। वही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज जोधपुर प्रवास पर गई। प्रवास के दौरान जिला कलेक्टर कार्यालय रे बारे तिरंगा रैली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना करी। वक्त वाने साथे जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल सहित पदाधिकारी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रिया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बोली कि हर घर तिरंगा अभियान से जुड़नो है। यू भी आपा देखा होला कि आपा सवारी भावना भी जुड़ी रिया करे। इन तिरंगा से चाहे युवा हो, पुरुष हो, महिला हो, अपनी अपनी संस्था में अपना अपना घरा पर ध्वज लहरावा रो काम करा हा। आज की बाइक रैली ने रवाना करियो गयो है। मैं सबसे निवेदन करूं कि इन संदेश ने घर घर पहुंचावा रो काम करनो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र प्रेम से जिन तरीका से जोड़िया है, उन्हें लेन आपा ने भी राष्ट्र के प्रति जुड़नो चाहिए। आपा सभा ने अपनो अपनो योगदान देनो चाहिए। एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो शुरू हुयो है, उनसे भी आपा ने जुड़कर और पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण करवा रो कार्य करना चाहिए।
जो एक महत्वपूर्ण कार्य है, ज्यों ज्यों मौसम बदल रही है, क्लाइमेट बदल रही है, ग्लोबल वार्मिंग ने दूर करवा के लिए पेड़ लगाकर सबने प्रयास करना चाहिए। आप एक पेड़ मारे नाम लगाओ तो निश्चित ही अच्छो काम होला। जिन तरह अपनी मारी रक्षा करा हाँ, ध्यान रखा हाँ, उन तरीका से आपने पेड़ पौधारी भी रक्षा करनी चाहिए। आपने बता दो कि तिरंगा रैली में भाग लेवारे बाद दोपहर में डिप्टी सीएम नागाना पहुंची, बैठे कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग ली। इनसे पहले वे माँ नागनेश्वर मंदिर में माता जी का दर्शन करी, वे बाद वीर दुर्गादास राठौर जयंती और मूर्ति अनावरण करी। उन वक्त वाने साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, विधायक बाबू सिंह राठौर सहित कई भाजपा नेता मौजूद था। फिलहाल तो ये थी कुछ खास खबर जो मैं आपने बता रहे थे झलको जोधपुर पर। बना रहो हमारे साथ, यूं ही अपना प्यार और विश्वास बनाए रख जो। मैं तो आप बीच में आप दोस्त दीपक, धन्यवाद।